नमस्ते एंड वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपका कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे भाई की शादी है इस वीक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा काम होता है, घर संभालना, बच्चे संभालना, प्लानिंग करना, शॉपिंग, पैकिंग, उफ मैं तो चौथी बार थक चुकी थी। तो इस चक्कर में आप लोगों के कमेंट का आंसर नहीं दे सका। I'm so sorry for that and I'm sure you guys will understand. Anyway, wedding के लिए packing तो मैं कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ tips भी share कर लेती हूँ जो मैं follow करती हूँ। Wedding packing थोड़ा सा overwhelming होता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें pack करना पड़ता है, outfit, matching jewelries, shoes, accessories and what not. तो इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ share करूँगी कुछ packing tips ताकि ये काम आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा हर एक फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग बैग यूज करती हूँ ताकि कपड़े मिक्स ना हो और आपको पता हो कि आपका सामान कौन सी बैग में है। किसी भी फंक्शन के लिए हम जब तैयार होंगे तो सब कुछ इजीली मिल जाएगा और हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 6-7 साल का है तो वो इजीली अपना ट्रॉली कैरी कर पाएगा। अगर आपके पास किड्स ट्रॉली है देन इज फाइन, अगर नहीं है तो इस तरह की छोटा सा डफल बैग आप यूज कर सकते हैं, तो बच्चा इजीली अपना सामान कैरी कर पाएगा। प्लानिंग एक महीने पहले शुरू करें और एक चेकलिस्ट जरूर बनाएं। चेकलिस्ट आपको पैकिंग में तो हेल्प करेगा ही, उसके साथ साथ आपके पास एक क्लियर विजन होगा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं, तो शॉपिंग लिस्ट रेडी करना भी इजी हो जाएगा। चेकलिस्ट के लिए पेन एंड पेपर यूज़ करना मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है और मैं उसे हमेशा सामने रखती हूँ ताकि मुझे जब भी कुछ याद आए मैं उसे देन एंड देयर नोट डाउन कर सकूँ। चेकलिस्ट के साथ साथ मैं घर में एक स्पेस भी क्रिएट करती हूँ जहाँ मैं पैकिंग के सारे सामान इकट्ठा करते रहती हूँ। नॉर्मली मैं मेरी दूसरी अलमीरा की एक पोर्शन खाली कर लेती हूँ और उधर मैं वेडिंग गिफ्ट रखती हूँ, जो सामान हम स्पेशली वेडिंग के लिए शॉपिंग किया है उसे रखती हूँ, चेकलिस्ट के कुछ चीज़ें जो कि स्पेशली फंक्शंस के लिए ही यूज़ होता है ये सब कुछ मैं इधर रख देती हूँ ताकि पैकिंग के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, मैक्सिमम सामान मुझे एक ही जगह पर मिल जाए। सभी फंक्शंस के लिए आउटफिट पहले से ही डिसाइड करके रखें, हर एक फैमिली मेंबर के लिए ही ये रूल फॉलो करें। साड़ी अगर आप पहनने वाले हो तो ब्लाउज एंड पेटीकोट एक साथ रखें, ज्वेलरी भी पहले से ही डिसाइड करके रखें, इससे तैयार होना इजी हो जाता है। फंक्शंस के लिए जो भी आउटफिट आपने सिलेक्ट किया उसे साड़ी बैग में रखें ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ज्वेलरी आप इस तरीके के प्लास्टिक पैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह के जिपलॉक पैकेट भी यूज कर सकते हैं। ज्वेलरी आप मैचिंग आउटफिट के जो साड़ी बैग है उसमें एक साथ भी रख सकते हैं। चाहे तो इस तरह के ज्वेलरी कम कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। इसमें ज्वेलरी सेट रखने के लिए 4 ट्रांसपेरेंट पाउच दिया हुआ है, बैंगल्स रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इयररिंग रखने के लिए मैं ये इयररिंग ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ और उसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर में जो एक बड़ा सा जीप पॉकेट है उसमें रख दूंगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्वेलरी सेट भी मैंने रख दिया, आप चाहे तो इधर मेकअप भी पैक कर सकते हैं। मेकअप पैक करने के लिए मैं हमेशा इस तरह की केक बॉक्स यूज़ करती हूँ। इसमें सभी लंबा मेकअप्स लाइक लिक्विड लिपस्टिक, लिप क्रेयॉन, काजल, आईब्रो पेंसिल, लिप लाइनर, कलर करेक्टर, सीसी क्रीम, मस्कारा, ये सब कुछ मैंने पैक करके रखा है। मेकअप ब्रश एंड ब्यूटी ब्लेंडर भी मैं इस तरह की केक बॉक्स में ही रखती हूँ ताकि ये सब कुछ डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे। और ये सब कुछ और बाकी के मेकअप पैक करने के लिए मैं इस तरह की ट्रांसपेरेंट पाउच यूज़ करती हूँ। मेकअप रिमूव करने के लिए नॉर्मल यूज एंड थ्रो कॉटन पैड के बदले आप इस तरह के रियूजेबल रिमूवर यूज कर सकते हैं। ये 2 के सेट में आता है, कॉटन की है, बहुत सॉफ्ट है और क्वालिटी काफी अच्छा है। मैं इसे अमेजन से परचेस की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। हेयर एक्सेसरीज के लिए भी मैं एक डिस्कार्डेड फूड कंटेनर यूज करती हूँ।
बॉक्स में रखने से जो आर्टिफिशियल फ्लावर हम बालों में लगाते हैं वो डीशेप नहीं होता है। नॉर्मल क्लचर के बदले अगर आप इस तरह की डिजाइनर क्लचर यूज करेंगे तो आपके बाल भी संभल जाएंगे और स्टाइल में भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। बाकी के जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं, लिप बाम, नेल कलर, परफ्यूम, ये सब रखने के लिए मैं इस तरह की पाउच यूज़ करती हूँ। ये भी मैं अमेजन से ली थी, लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आर्टिफिशियल नेल अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरह के नेल्स यूज़ करें। इसमें ग्लू के बदले डबल साइडेड टेप दिया हुआ है, इससे नेल का ग्रिप बहुत अच्छा होता है और ऑलमोस्ट 3 दिन तक लगा रहता है। नेल्स का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह के छोटे छोटे मिंट के बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ सेफ्टी पिन एंड हेयर क्लिप पैक करने के लिए। ये सब मेरा ट्रैवल के लिए अलग से रखा रहता है, इसे मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। शूज हमेशा न्यूट्रल कलर की ही चूज करें, हील्स के साथ साथ एक फ्लैट्स भी रखा करें। इस तरह की जूती बहुत ही वर्सेटाइल होता है, किसी भी आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है, तो इसलिए एक पेयर जूती जरूर पैक करें। और शूज पैक करने के लिए शू बैग्स ही सबसे अच्छा होता है। बैग में एक इमरजेंसी किट जरूर रखा करें, जिसमें कुछ बिग सेफ्टी पिंस, थ्रेड विद अ नीडल, फेविक्विक एंड कुछ बैंडेड जरूर रखा करें। ये सब कुछ एक जिपलॉक पाउच में पैक करके रखें। बैग हमेशा वाइजली चूज करें। बैग स्टाइलिश और मैचिंग होने के साथ साथ फंक्शनल भी होना चाहिए। अगर घर में किसी की शादी है तो हर वक्त बैग लेके घूमना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फ़ोन भी साथ में रखना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह के फ़ोन पाउच यूज़ कर सकते हैं। सलवार या ड्रेस पहने तो उसमें फिर भी पॉकेट्स रहता है, साड़ी में तो ये सुविधा नहीं है, तो साड़ी पहनने के बाद कमर से इस पाउच को लटका दे। अभी आप फ़ोन भी साथ में रख पाओगे और बैग लेके भी नहीं घूमना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के क्लच यूज करेंगे तो उसमें स्ट्रैप होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसे इजीली कैरी कर पाए। चलिए देखते हैं इस तरह के पार्ट्स में क्या क्या रखना चाहिए। टचअप के लिए मेकअप तो जरूर कैरी करना पड़ेगा, तो एक कॉम्पैक्ट काजल और सेम शेड की एक लिपस्टिक काफी है। एक हैंकी रखा करें, आप टिश्यू भी रख सकते हो। एक छोटा सा बैग में एक मेजर डेबिट कार्ड और कुछ लूज मनी जरूर रखें। एंड दैट्स इट। अननेसेसरी चीजों से ये बैग ना भरे, क्योंकि बैग हल्का रखना आपकी कंफर्ट के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहे तो क्लच बैग के बदले इस तरह की पोटली बैग भी यूज कर सकते हैं। टूथब्रश हमेशा कवर करके कैरी करें। कवर करने के लिए इस तरह की टूथब्रश कैप यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक क्लीन ग्लव्स यूज कर सकते हैं। ग्लव्स की एक एक फिंगर गैप में एक एक ब्रश प्लेस कर दे, ब्रश सेग्रीगेटेड भी रहेगा और कवर भी रहेगा। बाकी टॉयलेटरीज के लिए बड़ा बड़ा कंटेनर ना पैक करके छोटा कंटेनर्स में उसे पोर कर ले। होटल में जो कॉम्प्लीमेंट्री टॉयलेटरीज मिलता है ना, उसका खाली कंटेनर्स मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, वो सब मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ और ट्रैवलिंग के टाइम यूज करती हूँ। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी। एनीवे, आप चाहे तो इस तरह के छोटा ट्रैवल फ्रेंडली पैक भी यूज कर सकते हैं। बेल्ट हमेशा फोल्ड करके पैक करें। बेल्ट कैसे टाइटली फोल्ड किया जा सकता है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज चेक कर लें। और सॉक्स हमेशा शूज के अंदर रखें ताकि वो इजीली मिल सके। कुछ बेसिक मेडिसिन हमेशा साथ रखें। कुछ बेसिक डाइजेस्टिव मेडिसिन, इनो, वाडेस पैक करना ना भूलें। कुछ वार्म क्लोथ्स लाइक हुडीज जरूर पैक करें। हुडीज को आप बहुत ही कॉम्पैक्टली फोल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले उसे नॉर्मली फोल्ड कर ले, देन नीचे से 2 फोल्ड करें। और ये जो हुडी है ना, उससे इस तरह से कवर कर दे। देखा कितना छोटा हो गया ना। इस तरह से एयरपोर्ट में या फिर किसी भी सडन वेदर चेंज में आप खुद को वार्म रख पाएंगे।
बस इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन में हम सब कुछ पैक कर लिया। अभी सभी सामान इकट्ठा करना है और ट्रॉली में पैक करना है। इस तरह से अगर आप थॉटफुली पैक करेंगे तो कोई भी फैमिली फंक्शन आप विदाउट एनी स्ट्रेस एंजॉय कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन नमस्ते, मैं हूँ अमृतान, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। जाते जाते अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।